यहाँ मैंने जो है अपने कपड़े तय बना लिए, इनको रखती हूँ मैं शॉपर में। आयशा यहाँ कर रही है सफाई, मैं कहा जल्दी सफाई कर ले, कल गए थे बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। और यहाँ ये फैले हुए सारे कपड़े, इनको अभी धोती हूँ मैं, ये भी और हस्बैंड के ये है जो पहने थे इन्होंने बारात में और वली में। मैं कपड़े मैंने कहा इनको सरफ में से निकाल देती हूँ। और यहाँ मैंने कर लिया है किचन सारा साफ, बर्तन भी धो लिए मैंने। और ये मेरा कल का थोड़ा सा सालन बचा रखा है, मैंने दिन में बनाया था, इसको भी मैंने गर्म कर लिया है। मैंने कहा ये फिर जो है देखते हैं अभी इसमें दोपहर में या तो चावल डाल लेंगे या फिर जो है ना रोटी मंगा लेंगे। गैस तो जो है ना पता नहीं क्या हो गया, चला गया बिल्कुल ही, 3 दिन से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो व्लॉग हमने कर लिया अपना स्टार्ट, बस आगे की जो रूटीन है वो शेयर करते हैं आपके साथ और आप लोग इसी तरह हमारे साथ वीडियो में रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ हमने कर लिया है काम, बस अब करेंगे नमाज की तैयारी, क्योंकि जो है ना रोज़ डेली आजकल जो है बहुत देर से काम हो रहा है, घर का उठते देर से हैं तो इसलिए जो है ना थोड़ी देर हो जाती है शादी में थकन की वजह से। तो बस यहाँ पर जो सारा काम कर लिया है, फिर आगे की जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में साथ रहिएगा और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और जो न्यू आने वाले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोग भी हमें इसी तरह सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को भी शेयर करें। यहाँ जो है अभी दोपहर के लिए मैंने कहा ये रखा हुआ है सालन, तो ये बना लेते हैं। देखिए मैंने जो है सालन रखा हुआ था कल का, कल शाम में तो सब किसी ने खाया नहीं, सब चले गए थे। तो बस यहाँ ये मैंने चावल भी भिगो दिए अभी मंगा के, ये भीग रहे हैं थोड़े से ही हो जाए, तो मैंने कहा बस इसमें जो है ना दोपहर के लिए हो जाएगा। आयशा कह रही मम्मा चावल बना लो, ये सालन नहीं रखा हुआ था ये मैंने डाल दिया, तो बस यहाँ चावल डाल दूंगी इसके अंदर। ये चावल हम तीन ही अफराद है, कशांत तो है नहीं, हस्बैंड है, आयशा और मैं हूँ। तो बस रात को जो है ना बहुत थकान हो गई थी और सर भी मैंने अभी धोया है, धोने के बाद फिर जो है ना थोड़ा सुकून मिला है कि सारा जो लगा हुआ था ना हेयर स्प्रे वगैरह वो निकल गया, उससे बाल बहुत कड़क हो जाते। ये हस्बैंड लेटे हुए यहाँ पे, इनको भी बहुत थकान हो रही है, पूरे हफ्ते की थकान हो गई है। क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं, नींद पूरी भी नहीं हो रही। आज फिर शादी में जाना है और कल भी जाने, कल वली में, आज बारात है ना, कल वली में, आज बारात है, कल वली में, चलो तो अभी कार्ड में देखेंगे। कार्ड में लिखा हुआ ना, देखा नहीं है मैंने, कार्ड में लिखा है 13 तारीख की बारात बताई थी, वली में मैं भूल गया। अभी दो बारात तो समझो कैंसिल कर दी, उसमें तो गए नहीं, वहाँ भी जाना था, वहाँ का भी कार्ड आया भी जो है ना, ये भी जो है ना दो तीन दवा सुबह से मिला है, तो दो तीन दवा बोला आसिफ भाई जाना है, आसिफ भाई चलना है, आसिफ भाई बारात में जाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी तो हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि मेरी आँखें भी बहुत जलन हो रही है, थकावट इतनी हो रही है, ये लोग अगर घर वाले जाए, तुम लोग जाओ तो चले जा। क्या हुआ आयशा? आयशा यहाँ काट रही थी प्याज, चावल रखे हुए दम पे, हाथ कट गया, दिखाओ इधर, दिखाओ इधर, प्याज कट गई, यहाँ खाना लगा लिया, ये हो गए चावल तैयार। आयशा ने जो है प्याज भी काट लिए और ये मैं लाई हूँ आयशा के लिए चम्मच, ये लो आयशा चम्मच, तो बस खाना खाते हैं। ये यहाँ हो रहे चावल ठंडे। अच्छा ये वाले चावल भी इतने महंगे हो गए, ये देखें ये वाले पहले सस्ते थे, अब ये भी इतने महंगे कर दिए। और यहाँ चली गई ये लाइट अभी, तो बस खाना खा रहे हैं। मैं कहा चले ये कि दोपहर में तो फिर भी चावल अच्छे लगते हैं, रात में नहीं खाए जाते, दोपहर में तो ये कि हल्की फुल्की गज़ा होती है। यहाँ हम लोगों ने खाया खाना और जो है ना सो गए, हस्बैंड भी सो गए थे, मैं भी, आयशा भी, हम लोग सो गए क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा चले थोड़ी देर जो है ना आराम कर लेते। आज मैंने धोने थे कपड़े, लेकिन मैं कपड़े भी इसलिए नहीं धो सकी कि मुझे जो ना कुछ नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैं इसलिए सो गई। मैंने कहा चले अब उठे शाम में, अब असर कहीं, मैंने कहा नमाज़ अदा करनी है, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर अभी ये कि आज थोड़ी कुछ थकान उतर जाएगी, तो मैंने कहा चले कल कपड़े धो लूँगी, बस सरफ़ में से निकालने थोड़े थोड़े हस्बैंड के और बच्चों के। तो मैंने कहा गर्मी थी इस वजह से जो है ना सरफ़ में से निकाल के थोड़े थोड़े रख दूँगी, नए कपड़े होते हैं तो वो यही होता है कि एक दफ़ा पहनने के बाद जो है ना थोड़ा सा सरफ़ में से निकाल देते। तो बस अभी जो है नमाज की तैयारी करूँगी और सिलेंडर में जो है ना गैस भरवाया था मैंने, तो उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी और फिर उसके बाद जो है ना कल सालन बनाया, आज दोपहर में चावल बनाए, वो गैस भी ख़त्म हो गई। अभी हस्बैंड को बुलाती हूँ तो वो जो है ना गैस भरवा के लेकर आएंगे सिलेंडर में, और मीटर भी चेक करवाने का मैंने कहा है, मैंने कहा मीटर चेक करवा लें, क्योंकि हमारे ये मसला हो जाता है मीटर में कि वो जो उनके गली में जब पानी आता है ना, तो गली के अंदर जो है सारा पानी भर जाता है, तो उससे जो है ना पता नहीं गैस के मीटरों में किस तरह से पानी भर जाता है। तो वो अभी जो है मैंने कहा चेक करवा लें, क्योंकि 3 से 4 दिनों का बिल्कुल भी जो है ना गैस नहीं आ रहा, ये होता है कि थोड़ा बहुत आ रहा होता है लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो अभी मैंने उनको भेजा, देखे फिर क्या कहते हैं वो, चेक करते हैं, चेक कर ले, पहले भी ये होता चेक करा था तो गैस आ गया था, पानी वगैरह निकाला था मोटर से खींच के, तो अभी भी जो है ना वो गए हैं,
पानी वगैरह लेने के लिए, और कुछ सामने रहते हैं वो भी जो है ना खोल देते हैं मीटर, तो फिर जो है चेक कर लेते हैं। बस वो भी गए मेरे हस्बैंड। अच्छा यहाँ मैंने पढ़ ली है नमाज़, तो मैंने कहा यहाँ जो है दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, नीचे जाके देखती हूँ। तो अभी देखती हूँ कि हस्बैंड ने जो मीटर चेक करवाया है किसी से या नहीं। तो अभी यहाँ हस्बैंड कह रहे हैं कि शादी में आज जाना है, आप लोग चले जाओ, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। अच्छा आज मौसम देखें, सुबह से जो है ना धूप नहीं निकली, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और फिर मैंने जो है मंगाना है सोडा, तो वो भी मंगा लेती हूँ साथ ही। अच्छा मैंने हस्बैंड को कहा था, मैंने कहा आप मीटर वगैरह चेक करवा रहे हैं, तो मीटर वहाँ चेक करवाया, वो कह लेंगे कि किसी के भी गेस्ट नहीं आ रहा तो मीटर खुलवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस अभी जो है हस्बैंड भी आ गए हैं दोबारा ऊपर, इसीलिए उन्होंने कहा, मैंने कहा चले फिर रहने दे, अगर गेस्ट आएगा तो फिर वैसे ही आ जाएगा, अगर किसी के भी नहीं आ रहा। ये अजान के काम देखें ज़रा, इसके जो है ना लड़कियों वाले काम है कि मुझे जो है ना नेल पॉलिश लगा क्या चाहिए नेल पॉलिश? हाँ अजान नेल पॉलिश है ये देखें ज़रा, पूरे जो है ना कमरे में घूमता फिर रहा है कि मुझे जो है ना नेल पॉलिश चाहिए। ये देखें कहाँ है नेल पॉलिश, ये जैनब ने भी लगाई है नेल पॉलिश, आगे लेकर आओ हाथ, ये देखो जी, नहीं देख लिए बस आप रहने दो। ये कह रहे हैं अजान के मुझे भी लगाए नेल पॉलिश, और टाइम देखे जरा इतना टाइम हो रहा, रात का टाइम हो रहा, और जो है ना नींद नहीं आ रही है इसको, सोना नहीं है क्या जैनब, क्यों नींद नहीं आ रही?